ही कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खोलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए, सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए अबारगी में चले गए, सदाएं आती रही हई आला सला हई आल फला, कोई परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकिजगी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए, ऐसे नहीं। कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर, कल्ला इजा बलगति तराकी, ये तो कयामत का मंजर है ना, कयामत से कबल भी एक मंजर है, अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहे हैं। कल्ला इजा बलगति तराकी, हां हां जब जान गले को पहुंच जाएगी, ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई, अब डॉक्टर भी ला इलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है, और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ, अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है, अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जनब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जनब से कोई इसका इलाज नहीं है, अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए, डॉक्टरों ने तो ला इलाज करार दे दिया। वह जन्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहां अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं, वल तफत इस साक व बिस्साक, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है, जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गसाल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे, ये महल ये माड़ी ये कोठियां ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा, और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें, कहते नहीं नहीं मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो इसको सुपुर्द कराओ, वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुसल देने के लिए तैयार भी नहीं है, तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरौना बने होते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज कितने नहीं तेरे कर दे, आज तो वो तेरे साथ तुझे गुसल देने के लिए आमादा नहीं है। वल तफत इस साक व बिस्साक, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिक यौम इज़निल मसाक, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है, फला सद्दका वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा, सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला, औला लका फौला सुम्मा औला लका फौला, तेरी खराबी आ पहुंची, हां तेरी खराबी आ पहुंची, अयहसबुल इंसान व युतरका सुदा, इंसान दुनिया में यह गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा, सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो, शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले,
तो उस शुतरे बेमुहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूं, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता, वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात है, मुझे आजादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकुनुत्फतम मिन मनी युम्ना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना पानी का, एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया, सुम्मा काना अलका, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना, फखाला का फसव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया, फजअला मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग अशश करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले, तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ऐ इंसान, ये सब कुछ कहां तराशा गया, मां के रहम में, उस तारीकी में जो तीन पर्दों में थी, तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहां तेरे अंदर नस्वानियत या रुजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामत दहर है, आज तू काजियुल कज़ात है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है, आज तेरी ताकत के क्या कहने, आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है, आज तू बड़ा जोरावर घुड़सवार है, आज तेरी ताकत के क्या कहने, तू कुश्ती करता है जमाना देखने आता है, आज तेरी ताकत के शोहरे हैं, तेरी अजमत के तंतने हैं। लेकिन इंसान, तू एक नापाक कतरा था और रहम मादर में था, तेरे अंदर ये रंग किसने भरे, तेरे कानों में नगमे किसने रखे, तुझे दिमाग की कुव्वतें किसने दी, जुबान को बोलना किसने सिखाया, आंखों में तवानाइयां किसने रखी, तेरी जुबान का तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए। फिर अल्लाह फरमाया, कितना जोरदार बयान है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, जो मां के पेट में एक नुत्फे को एक खूबसूरत इंसान बना सकता है, हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता, क्या वो दोबारा तुझे खड़ा नहीं कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए, जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा है, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा ही नहीं कर सकता है, जिस रब ने तुझे मां के शिकम में शक्ल दी। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोलते हैं, साने किस्ती सलाती मी शवद, ऐसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना डालता है, उसने मट्टी से दारा और सकंदर बनाए, उसने मट्टी से जो है वो रुस्तम और सहराब बनाए, उसने मट्टी से क्या क्या बना दिया, जो मट्टी से बादशाह बना सकता है, जो नुत्फाए रहमे मादर से जो है वो शक्ल और सूरत और रंग और जमाल बना देता है, तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है, तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है, तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है, तेरी गुफ्तार के तंतने हैं, जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल मां के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता,
वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, कहां जाया की मैंने तुझे जिंदगी दी, 60 साल 70 साल 40 साल 50 साल, उस जिंदगी को कहां गुजार के आया है। अन शबाब ही फीमा अब ला हो, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां गुजार के आया है, मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया, तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासतें तो नहीं देखता रहा, तेरी जिंदगी गुजरी कहां है, तेरी जवानी गुजरी कहां है। अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा, और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 अशख़ास ऐसे हैं कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7ों को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, वशाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। जवानों अपनी जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ, जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो, इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो, मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो, जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर, सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया, अश्शाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। लैलतुल कदर की घड़ियां हैं, रात का पिछला पहर है, अल्लाह के हुजूर ये अहद करके उठो, मालिक जो जिंदगी गुजर गई गुजर गई, आइंदा जवानी का एक एक लम्हा तेरे लिए गुजरेगा, जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, मेरी एक एक सांस तेरे नाम वक्फ हुई, मेरी जिंदगी की एक एक साथ तेरे नाम वक्फ हुई, मैं अपना सब कुछ तेरे लिए पेश करता हूं, मेरी जिंदगी का मालिक भी तू है, मेरी मौत और हयात का खालिक और मालिक भी तू है, ये जिंदगी तूने दी तेरी अमानत है, तेरे हुजूर ही पेश करता हूं। और लैलतुल कदर की घड़ियों में इस अज़म के साथ घरों को लौटो कि अल्लाह मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम हुए, मेरी जवानी तेरे नाम हुई, मेरे आंसू तेरे नाम हुए, मेरी पेशानी तेरे नाम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम हुई, मेरी सलाहियतें तेरे नाम हुई, मेरी जुबान बोलेगी तो तेरी तस्बीह बोलेगी, तेरे जिक्र के तराने पड़ेगी, मेरे कान सुनेंगे तो कुरान के नगमे सुनेंगे, मेरी आंखें देखेंगी तो मालिक तेरी कुदरत की निशानियां देखेंगी, तेरे रसूल का रोजा देखेंगी, तेरा काबा देखेंगी। मालिक मेरी जुबान सच्चाई के नूर से मालामाल होगी और मैं सारी जिंदगी तेरे नाम करता हूँ। और जब आप अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो फिर वो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में, अमान में और हिफाजतों के हिसार में रखे।